Assalamu alaikum everyone, this is Zishan Usmani. I am very excited today. I am going to take my first zero-g flight. That's the zero gravity experience. I like all of you to come along with me and experience this. So let's go. This is beautiful Jet Aviation airport that we have for our charter flights for zero gravity, and I'll keep you posted, guys. Hey guys, so this is my boarding pass for the zero g flight VTS 7737, departing at 11 a.m. from Washington DC Dulles International Airport, and my flight is number 6C, and we are going zero gravity. So now we are going towards the plane to get our zero g flight. So I'll see you all in the plane then, I guess. So we are going towards the aeroplane.
ज़ीरो ग्रेविटी की वीडियो आपने देखी, बग़ैर वज़न के तजुर्बा, कशिश शक्ल के बग़ैर तजुर्बा। आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हुआ क्या है। बेसिकली बोइंग 727 जहाज़ है, इस जहाज़ के पीछे कुछ सीटें रखी गई हैं 8-9, और आगे उसकी तमाम रिप्ट ऑफ कर दिया गया है, तमाम सीटें खाली कर दी गई हैं ताकि आपके पास एक मूविंग स्पेस हो जहाँ पर आप घूम सकें। ये ज़ीरो जी कॉरपोरेशन है जो दुनिया के अंदर ज़ीरो ग्रेविटी फ़्लाइट चलाती हैं। इसके फाउंडर वही हैं जो अंसारी एक्स प्राइस के, ये वही फ़्लाइट है जो रिचर्ड ब्रेंसन ने ली थी, स्टीफन हॉकिंग ने ली थी, मार्था वेबर ने ली थी, इलोन मस्क ने ली थी। अल्लाह सुबहाना व तआला ने करम किया कि मुझे इसके अंदर फ़्लाइट करने का मौका मिला। इसके अंदर बेसिकली एक डेडिकेटेड ब्लॉक है जो फेडरल एविएशन ने दिया हुआ है, एजेंसी ने, FAA ने, 10x100 का, तो 10 मील का जो है चौड़ा है, 100 मील्स वाइड है। इस तक जहाज़ पहले जाता है फ़्लाई करके, और उसके बाद ये पैराबोलास क्रिएट करता है। तो जब हम ऊपर जाते हैं एक्सेलरेट करके, तो इस वक्त हमें जो मिल रही होती जी वो 1.8G मिल रही होती है, यानी कि 80% ज़्यादा आपको ग्रेविटी महसूस होती है। अब बिल्कुल फ़र्श के साथ चिपक जाते हैं, आपकी स्किन बिल्कुल पीछे की तरफ पुल कर रही होती है, आप चाहते हुए भी अपना हाथ नहीं उठा सकते बिकॉज आपका वज़न भारी हो गया होता है। तो 1.8G का मतलब ये हुआ कि अगर आपका 100 किलोग्राम वज़न है तो आपका 180 किलोग्राम वज़न हो जाएगा, ना आप सर उठा सकते हैं ना हाथ उठा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप ज़मीन से चिपके हुए हैं बिकॉज आप एक्सेलरेशन मोड में जा रहे होते हैं। उसके बाद जहाज़ नोज़ डाइव गिरता है, तो जब नोज़ डाइव गिरता है तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे बोतल है, इसमें अगर ये पेन डाल दूँ और बोतल को छोड़ दूँ तो विद इन बोतल जो ये पेन होगा इस पर इतना इफेक्ट नहीं हो रहा होगा, ये फ्री फ्लोट कर रहा होगा। तो जब जहाज़ नोज़ डाइव जाता है तो आप फ्री फ्लोट कर रहे होते हैं। इसमें हम लूनर ग्रेविटी को भी देखते हैं, मार्शियन ग्रेविटी को फील करते हैं, और ज़ीरो ग्रेविटी को भी करते हैं। जो माइक्रो ग्रेविटी है लूनर के ऊपर 1/6 होती है, मार्शियन के ऊपर जो मार्स की होती है 1/3 होती है, यानी अगर आपका 150 किलोग्राम वज़न है तो आपका 50 किलोग्राम हो जाएगा। आप शुरू की मेरी वीडियोस को देखें जिसमें हम बत्तख की तरह उछल रहे हैं, तो मार्शियन ग्रेविटी है। लूनर के अंदर 1/6 हो जाता है, यानी 150 किलोग्राम वज़न अगर आपका है तो सिर्फ 25 किलोग्राम रह जाएगा, उस पर बाउंस कर सकते हैं, आप उंगली लगाते हैं और आप जहाज़ के एक कोने से दूसरे कोने पर पहुँच जाते हैं। बड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। सूरह नमल में अल्लाह से फरमाते हैं कि कयामत के दिन जो पहाड़ होंगे वो रुई के गालों की तरह फ्लोट कर रहे होंगे। तो मेरा तजुर्बा, मैं सोच ये रहा था कि हम ज़ीरो ग्रेविटी में जाएंगे तो जो बंदा हल्का है उसको ज़्यादा फ्लाई करेगा, ज़्यादा फ्लोट करेगा, जो बंदा भारी है जिसका जिस्म ज़्यादा मजबूत है वो कम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ज़ीरो ग्रेविटी आई, सब के लिए ज़ीरो ग्रेविटी आई रिगार्डलेस ऑफ वेट, जो 200 किलोग्राम का था वो भी फ्लाई कर रहा था, जो 50 किलोग्राम का था बच्चा वो भी फ्लाई कर रहा था। तो बड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है कि ग्रेविटी ज़रा सी एक नोच ज़्यादा हो जाए तो अपना हाथ भी मूव नहीं कर सकते, कम हो जाए तो हवा में उड़ते फिर रहे होते हैं, एक आप कोने पर पुश करते हैं और आप ये जाके छत से लगते हैं। तो अभी किस बात के ऊपर गुरूर करें जब अपना बदन उसके हाथ में नहीं होता, आपके पेरिफेरल से आपको रिस्पांस नहीं कर रहे होते। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर ज़िंदगी में अल्लाह आपको ये मौका दे, पैसे दें, तो ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। इससे कम से कम बंदे का गुरूर तो नीचे आ जाता है। ड्रामामीन एक गोली है, वो अगर खा लें मोशन सिकनेस के लिए तो उससे आपको इतनी ज़्यादा मोशन सिकनेस नहीं होती। ये 15-30 पैराबोलाज होते हैं, शुरू के पैराबोलाज में क्योंकि आप इंजॉय कर रहे होते हैं, बॉडी आपकी कैलिब्रेट कर रही होती है, तो फिर भी आप कुछ कर सकते हैं। जैसे इसकी तादाद आगे बढ़ती है, 10 को क्रॉस करते हैं, यू फील सिक टू स्टमक, जिसको हम स्टमक अवेयरनेस कहते हैं। अगर आपके पेट में अजीब व गरीब किस्म के बुखारात आ रहे हैं, आपको लगे कि आपका सर चक्कर आ रहा है, तितलियाँ नज़र आ रही हैं, इसका मतलब आपकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई है, आप किसी कोने में बैठ जाइए और उसमें पार्टिसिपेट ना करें। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, मैं आप सबको बोलूँगा कि आप इसको ज़रूर कीजिए, ज़रूर इन्जॉय कीजिए, और किस्मत साथ दे तो इसको एक दफ़े ज़िंदगी में ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी।